तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। दुनिया के अलग अलग कोनों से उठते धुएं, बंदूकों की आवाजें और जंग के बिगुल, यही सवाल खड़ा कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर मिडल ईस्ट का महायुद्ध और अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की तलवारें खिंच गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई जंग की जमीन पर खड़ा है और बस एक चिंगारी का इंतजार है। रूस और यूक्रेन की जंग को कौन भूल सकता है। ये वो जंग है जो कभी खत्म होती ही नहीं दिख रही। रूस जो एक वक्त दुनिया की सुपर पावर था, वो अब यूक्रेन में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका, जिसके लिए रूस हमेशा से आंखों की किरकिरी रहा है, वो यूक्रेन की मदद करने में लगा है। हथियार, पैसों की बारिश, सब कुछ चल रहा है। अब चीन भी रूस के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। ये खेल छोटे मोटे नहीं, बल्कि दुनिया की सुपर पावर्स का है। सवाल उठता है कि अगर रूस और यूक्रेन की ये जंग ऐसे ही चलती रही तो क्या ये महायुद्ध में तब्दील हो जाएगी। अब मिडल ईस्ट की बात करते हैं। यहां तो हालात और भी नाजुक हैं। इजराइल, जिसने हमेशा अपने दुश्मनों को टक्कर दी है, दो मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। एक ओर फिलिस्तीन में हमास के लड़ाकों से और दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्ला से। इतना ही नहीं, इजराइल ने ईरान से बदला लेने की भी ठानी हुई है और इसमें उसका साथ देने के लिए अमेरिका भी अपनी सेना इजराइल भेज रहा है। यानी आग में घी डालने वाली बात हो गई। इजराइल और उसके दुश्मनों के बीच हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि हर दिन बॉर्डर पर गोलाबारी हो रही है। क्या ये लड़ाई मिडल ईस्ट तक सीमित रहेगी या फिर इसमें भी बाकी देश कूद पड़ेंगे। और अब बात नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। ये दोनों देश वैसे तो हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे रहे हैं, लेकिन इस बार नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सीधा साउथ कोरिया को तबाह करने की धमकी दी है। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने साउथ कोरिया को साफ शब्दों में कहा है, अगर ड्रोन भेजे तो साउथ कोरिया को राख बना देंगे। किम जोंग उन के पास परमाणु हथियार भी हैं और वो दुनिया को दिखाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब क्या इशारा कर रहा है। क्या ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही है या फिर ये सिर्फ झगड़े हैं जो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। इतिहास में झांक कर देखें तो जब जब दुनिया के बड़े हिस्सों में तनाव बढ़ा है, तब तब महायुद्ध हुआ है और इस बार परमाणु हथियारों का डर भी मंडरा रहा है। जंग से सबको नुकसान ही होगा, लेकिन ये बड़ी शक्तियों की आपसी रंजिश का एक बड़ा रूप लेती नजर आ रही है। अब आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। रूस और चीन, जो एक समय एक दूसरे के दुश्मन थे, अब एक साथ आ रहे हैं। दोनों के बीच प्रशांत महासागर में जो सैन्य अभ्यास अभी चल रहा है, वो सीधा अमेरिका और उसके साथियों के खिलाफ एक संदेश है। रूस और चीन का साथ आना अमेरिका के लिए सिरदर्द से कम नहीं, और ऊपर से ये अमेरिका ताइवान के मसले में भी आग में घी का काम कर सकता है। अमेरिका पहले से ही चीन के खिलाफ ताइवान का साथ दे रहा है, और अगर ये टकराव बढ़ा तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो क्या सच में तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई दे रही है? हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं। दुनिया के हर कोने में तनाव चरम पर है। एक चिंगारी की देर है और फिर ये आग दुनिया भर में फैल जाएगी। अब देखना यह है कि इस जंग का नतीजा क्या होगा। क्या दुनिया फिर से एक महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है या फिर ये सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे। जो भी हो, आने वाला वक्त ही बताएगा।